और ये थर्मोकोल, देखते हैं दोनों एक दूसरे के साथ डिसॉल्व होता है कि नहीं। दोनों हाइड्रोकार्बन है, लाइक चीजें एक दूसरे को डिसॉल्व कर लेती है। देखिए आज हम लोग केमिस्ट्री का एक रिएक्शन देखने वाले हैं कि जब हम स्टाइरोफॉर्म और पेट्रोल को एक साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उनके बीच में क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, स्टाइरोफॉर्म जिसको कि हम लोग क्या है थर्मोकोल भी बोलते हैं या फोम भी जिसको बोला जाता है, वही स्टाइरोफॉर्म थर्मोकोल, इसका रिएक्शन हम लोग करवाएंगे पेट्रोल के साथ, तो इसके साथ क्या होने वाला है, जब इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या इसमें फर्क पड़ेगा, वो हम लोग आज देखने वाले हैं। ऐसा माना जाता है केमिस्ट्री में कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एक हाइड्रोकार्बन दूसरे हाइड्रोकार्बन को एक में डिसॉल्व कर लेता है। ठीक, तो ये दोनों भी हाइड्रोकार्बन है, स्टाइरोफॉर्म जो कि पॉलीस्टाइरीन से बना होता है और पॉलीस्टाइरीन जो है वो एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। और वैसे ही अगर पेट्रोल का देखें तो पेट्रोल भी पेट्रोलियम से बना होता है और पेट्रोलियम भी हाइड्रोकार्बन का ही मिक्सचर होता है जिसमें कि कार्बन 83-87% होता है, हाइड्रोजन होता है और नाइट्रोजन होता है। तो अब देख रहे हैं कि दोनों हाइड्रोकार्बन है और केमिस्ट्री में कहा जाता है कि लाइक चीजें एक दूसरे को डिसॉल्व कर लेती है, मतलब हाइड्रोकार्बन है तो वो दूसरे हाइड्रोकार्बन को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। तो अब देखेंगे कि क्या सच में ऐसा होता है, जब हम लोग ये स्टाइरोफॉर्म को पेट्रोल से मिलाएंगे तो क्या ये सच में एक दूसरे को डिसॉल्व कर लेगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि एडहेसिव या ग्लू जिसको हम लोग आसान भाषा में बोलते हैं वो कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, वो भी ऐसे ही हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोकार्बन से अगर डिसॉल्व करें तो ग्लू तैयार होता है जिसको एडहेसिव भी बोला जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ये हमारा पेट्रोल है, थोड़ा सा महंगा है पेट्रोल तो थोड़ा कम लिए हैं, देखिए। और ये हमारे पास है हमारा स्टाइरोफॉर्म या जिसको हम लोग अगर देखें तो थर्मोकोल भी बोल सकते हैं। देखते हैं, ये देखिए, ये पेट्रोल और ये थर्मोकोल, देखते हैं दोनों एक दूसरे के साथ डिसॉल्व होता है कि नहीं। दोनों हाइड्रोकार्बन है, लाइक चीजें एक दूसरे को डिसॉल्व कर लेती है। देखिए देखिए आपको अगर दिख रहा होगा, ये देखिए कितना छोटा हो गया, मतलब ये इसमें डिसॉल्व हो जा रहा है एक, ये देखिए, पूरा डिसॉल्व हो गया। एक हाइड्रोकार्बन दूसरे हाइड्रोकार्बन को डिसॉल्व कर ले रहा है, मतलब केमिस्ट्री में जो माना जाता है या कहा जाता है कि लाइक चीजों को डिसॉल्व कर लेती है वो एकदम सही बात है। ये देखिए कैसे ये डिसॉल्व होते जा रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि ये चीनी का बना हुआ हो और ये पानी हो, वैसे इसमें डिसॉल्व हो रहा है। ठीक, ठीक है, तो ये रिएक्शन हम समझ चुके हैं कि जब स्टाइरोफॉर्म को पेट्रोल से रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है और क्यों ऐसा हुआ ये भी हम बता दिए, क्योंकि केमिस्ट्री में माना जाता है कि जब दो लाइक चीजें होगी, मतलब हाइड्रोकार्बन है एक दूसरा भी हाइड्रोकार्बन है, तो जब दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो ये दोनों डिसॉल्व हो जाने वाला है। ये हमको पहले से पता था लेकिन हम देख रहे थे प्रैक्टिकल करके, तो हम भी देखना चाहते थे क्या ये सच में डिसॉल्व हो जाता है, सिर्फ पढ़े ही थे कि लाइक चीजें एक दूसरे को डिसॉल्व कर लेती है। तो ये हो गया, ये हम लोग जान गए। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये पेट्रोल और ये स्टाइरोफॉर्म को एक साथ मिला करके एडहेसिव कैसे बनाया जाता है, मतलब ग्लू कैसे बनाया जाता है और किन दोनों के मिक्सचर से जो ग्लू बनेगा वो ग्लू काफी स्ट्रांग ग्लू बनता है, मतलब दो ईंट को भी एक साथ जोड़ सकते हैं इतना स्ट्रांग ग्लू बनता है इन दोनों से। ठीक है, तो आप अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम लोग एडहेसिव बना सकते हैं। थैंक यू, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है और जानकारी लायक लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।